जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान आतंकवादियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें 12 जवान शहीद हुए और 9 आम नागरिकों की मौत हुई। हाल में जम्मू के रियासी, कठुआ और अब राजौरी में आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए आतंकी संगठनों द्वारा रेजिस्टेंट फ्रंट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स जैसे नामों के बाद अब कश्मीर टाइगर्स नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन सुरक्षा बलों की जांच को प्रभावित करने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू रीजन में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए तो कश्मीर टाइगर फिर से चर्चा में आ गया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर से इन घातक हमलों के लिए कश्मीर टाइगर नाम का इस्तेमाल कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब आतंकवादी संगठन दूसरे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये योजना पहले भी अपनाई जा चुकी है। इससे पहले कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, PAFF जैसे नामों का भी इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान भारतीय फौज से डरता है, इसलिए मुखोटा तंजीमों की आड़ में अपना काम करता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आजकल पाकिस्तान लगातार शैडो आउटफिट्स यानी कि शैडो तंजीम का इस्तेमाल करके जम्मू में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी शैडो आउटफिट जिसका नाम लगातार बार बार सामने आ रहा है, वो है कश्मीर टाइगर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कश्मीर टाइगर्स कौन सी तंजीम है। कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का दूसरा नाम है। जैश ए मोहम्मद वही तंजीम है जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की गोद में बैठा हुआ है। ये वही मसूद अजहर है जो जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद था और जनवरी 2000 में इस मसूद अजहर को छोड़ दिया गया था क्योंकि IC-814 कंधार से जो हाईजैक नेपाल से हाईजैक करके कंधार लिया गया था, उन मुसाफिरों को रिहा करने के लिए मसूद अजहर को छोड़ा था। पाकिस्तान जाते ही उसने जैश ए मोहम्मद तंजीम बनाई। ये वही तंजीम है जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, जिसने जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक किया था, जिसने न जाने कई अटैक किए हैं। लेकिन अब मसूद अजहर भी भारतीय फौज से कांपता है। यही एक वजह है कि मसूद अजहर ने भी अपनी तंजीम का नाम बदलकर कश्मीर टाइगर्स कर दिया है। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में यहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। 2021 में पहली बार कश्मीर टाइगर्स का नाम आया था, लेकिन हमने देखा है कि लगातार जितने भी हमले जम्मू में हुए, चाहे हीरानगर का अटैक हो, चाहे आर्मी की कॉन्वॉय को एम्बुश करने की बात हो, या देसा डोडा का अटैक हो, या नया अटैक जो इस वक्त किया गया पुरुषोत्तम जो कि VDC मेंबर के घर पे, सब में एक ही नाम है, वो है कश्मीर टाइगर। कश्मीर टाइगर नाम के संगठन ने लगातार जिम्मेवारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये हमने किया है। ये इसकी वजह अलग है। एक वजह ये कि ये चाहते नहीं कि सबको पता चले कि जैश ए मोहम्मद इसके पीछे है, यानी कि ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस नहीं है। दूसरा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश ये की जाती है कि लोकल तंजीमें हैं, ये कश्मीर टाइगर्स लोकल तंजीम है, यानी कि लोकल कश्मीरीज हैं जो भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और तीसरा ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के जिहादी आउटफिट किसी का भी इस टाइगर कश्मीर टाइगर नाम की तंजीम से कोई भी लेना देना नहीं है। और चौथा कि यानी कि अगर कल इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेटर्स ये ना जान पाए ये कौन इसके पीछे है, किसका हाथ है, कौन सी तंजीम है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कहां से वेपन आ रहे हैं, तो ये पूरा एक मुखौटा तैयार कर देते हैं। ये खोटा है कश्मीर टाइगर्स। तो इसलिए आज मैं व्यूवर्स को यह बताना चाहूंगा कि कश्मीर टाइगर्स बेसिकली जैश ए मोहम्मद है और जैश ए मोहम्मद सबको मालूम है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। और यही एक वजह है कि इनको लगातार आपने देखा होगा इन आतंकवादी संगठनों को M4 कार्बाइन दी जाती है, उसके साथ साथ स्टील कोटेड बुलेट दी जाती है। ये वो स्टील कोटेड बुलेट है जो कि बुलेट प्रूफ को भी चीर कर रखते। और उसके अलावा आपने देखा होगा AK सीरीज राइफल, यानी कि इन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर टाइगर्स का जामा पहनाकर, मुखोटा पहनाकर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। कश्मीर टाइगर के आतंकी अब घाटी छोड़ जम्मू में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इनके मंसूबों को चकनाचूर कर रही है। बताया जाता है कि कोई पाकिस्तान ने सुरंग बनाई है, जिस सुरंग के जरिए चूहों की तरह रेंगते हुए ये कश्मीर टाइगर्स के यहाँ पे आतंकवादी आ जाते हैं, उसके बाद लगातार यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अमन अमान खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। 3,500 के करीब फौजी दस्ता जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है, जिसमें कई पैरा कमांडोज भी हैं। पैरा कमांडोज को इसलिए ताकि जहाँ कहीं आतंकवादियों की
प्रेजेंस का पता चले और वहां पे आकर ये जो हमारे पैरा कमांडोस हैं उनका सर कुचल कर रख दे, इसलिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के आतंकी यहां बैठे अपने मददगारों के जरिए एक के बाद एक हमले कर रहा है। भारतीय सेना ने इनके मकसद को असफल करने के लिए खास प्लान बनाया है। हमने देखा कि आज एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट कृष्णा घाटी सेक्टर में किया गया। बटल एरिया में एक ग्रुप था जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय फौज ने उनके इरादों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी ये जो आतंकवादी है जैश ए मोहम्मद के, कश्मीर टाइगर्स की, ये एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान में जाकर छुप गए। ये पाकिस्तान की जो फौज की चौकियां हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, लॉन्चपैड की तरह ये पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों का इस्तेमाल किया जाता है और इस चौकियों में बैठकर ये उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कब टेरर गाइड आए और कब इन्हें लगे कि ये आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ कर सकते हैं। या तो टनल के द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हथियार तो ड्रोन के द्वारा वैसे ही पहुंचा रहे हैं, लगातार ड्रोन के द्वारा यहाँ पे हथियार की ड्रॉपिंग की जाती है, उसके अलावा नारकोटिक्स ड्रॉप किया जाता है, लेकिन भारतीय फौज हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैयार हैं कि एक बार अगर ये सर उठाने की कोशिश करेंगे तो इनका सर कुचल दिया जाएगा। पिछले दिनों लगातार हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि जून 9 से लगातार यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से यात्रियों की गाड़ी को टारगेट किया, उसके बाद हीरानगर के गांव में जाके उन्होंने गांव वासियों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सराहना करनी होगी उन गांव वासियों की, जब ये पानी मांगने गए तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उन्हें मालूम था कि अगर हम दरवाजा बंद करेंगे तो हम पे फायरिंग करेंगे, लेकिन वो इस अंजाम से डरते नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को बिल्कुल भी पनाह नहीं देंगे, इसलिए आतंकवादी दोनों के दोनों मारे गए। एक सीआरपीएफ का जवान भी उसमें शहीद हुआ। उसके बाद हमने देखा कि छत्रकला में, फिर गंदों में, फिर देसा में, फिर कठुआ में, और अब वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम के घर पे हमला करने की कोशिश की। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ के युवा तैयार हैं आड़े हाथ इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेने के लिए, कश्मीर टाइगर्स हो या कोई भी हो, चाहे किसी भी मुखौटे में यहाँ आए, लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। आतंकवादी का एक ही काम है टेररिज्म, आतंकवादी का एक ही काम है मुजलूमों को मारना, आतंकवादी का एक ही काम है निहत्तों को टारगेट करना, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि भारत के साथ वो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ नहीं सकता। 1947 में उन्होंने कोशिश की, मुंह की खाई, उसके बाद 1965 में उन्होंने कोशिश की, एक बार फिर से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए गए। फिर हमने देखा कि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े भारत ने कर दिए थे, ये दूसरा टुकड़ा जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, उनको फिर काफ़ी देर तक पाकिस्तान चुप रहा, हालांकि हालात खराब करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल में एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि कारगिल की चोटियों को ऑक्यूपाई करके लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाएगा, हाईवे पे पूरा कंट्रोल कर दिया जाएगा, सियाचिन पे कब्जा कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। हमारे बहादुर जवानों ने चोटियों पर चढ़कर पाकिस्तान की उन फौजियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया। उसके बाद पाकिस्तान को लगा अब एक ही तरीका बचता है, वो है प्रॉक्सी वॉर, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, और उन्होंने कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश की। और अब 25 वर्ष बाद जम्मू की पहाड़ियों में एक बार फिर से आतंकवादियों को घुसेड़ कर वहाँ पे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि वो एक बार फिर से यहाँ पे हालात खराब कर पाए, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैयार है उनको कब्रिस्तान पहुँचाने के लिए। इस समय पूरी तैयारी हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है, ब्लूप्रिंट तैयार है, चाहे जितने भी हों। ये बात सिर्फ फौज की नहीं, वर्दी वालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे वीडीसी मेंबर जिनके पास ऑब्सोलीट 303 राइफल है, चप्पलें पहन के हैं, प्लास्टिक के जूते पहन के हैं, लेकिन जज्बा जुनून इतना ज्यादा रखते हैं कि पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को चट्टी का दूध याद दिला देंगे और एक बार फिर से बता देंगे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और कभी भी कभी हिमाकत करने की कोशिश की तो बाप से ऐसी पड़ेगी अब की बार बचोगे नहीं। नाम बदलकर हमलों की जिम्मेदारी लेने की रणनीति की एक बड़ी वजह भ्रम पैदा करना और पुलिस जांच में बाधा डालना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि एक अन्य महत्वपूर्ण वजह यह है कि आतंकी हमले को स्थानीय टच देने की कोशिश की जा रही है ताकि कश्मीर टाइगर्स ये धारणा बनाए कि यहाँ स्थानीय आतंकी ही सक्रिय हैं और इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।